तो गाइज आज का पहला ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया है और ये सारे 8 किलोमीटर का है, तो चल के इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। और मुझे रिटर्न बोनस 14 रुपये मिला और वेटिंग टाइम मुझे 12 रुपये मिला। जो अगर आप लोग स्विगी ज्वाइन करके काम करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपना मोबाइल नंबर, नाम और सिटी का नाम मुझे सेंड कर देना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ज्वाइनिंग के समय तो मैं आपका हेल्प करूँगा। तो गाइज अभी मुझे देखो 44 रुपीज़ का एक फूड का ऑर्डर मिला है मुझे स्विगी से। ओहो, और इस ऑर्डर का भी कैश पेमेंट है, तो कस्टमर से मुझे कैश लेना है और उसके बाद उसको ऑर्डर डिलीवर करना है। कितने हैं टोटल? 219 है। 220 हो गए। ठीक है, थैंक यू। अभी जो मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया तो उसका ऑनलाइन पेमेंट था, तो अच्छा हुआ कि ऑनलाइन पेमेंट था। अगर कैश पेमेंट होता ना तो फिर उसके बाद मुझे ऑर्डर नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी का पैसा 1479 रुपया हो गया है और जो मेरा लिमिट है वो 1711 रुपया है। सो गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ स्विगी में काम करने के लिए, जो कि पार्ट टाइम करूँगा, 4 से 5 घंटे करूँगा, या फिर 400 से 500 रुपए तक की मैं अर्निंग करूँगा, और देखता हूँ कि 400 से 500 अर्निंग करने में मुझे कितना टाइम लगता है, ठीक है, और आज का दिन कैसा रहता है, कितना बाइक चलता है, कितना पेट्रोल खर्चा होता है, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ और अभी टाइम 11:15 हो रहे हैं, तो देखता हूँ कि 400 से 500 अर्निंग कितना घंटे में होता है। तो गाइज मैं स्विगी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ऑन ड्यूटी आता हूँ, और सेल्फी मैंने घर पर ही दे दिया था ताकि मुझे अभी स्टार्ट ड्यूटी करते समय कोई सेल्फी ना देना पड़े, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब ऑन ड्यूटी आ गया, तो देखते हैं आज का पहला ऑर्डर मुझे कब मिलता है। तो गाइज देख लो, आज का पहला ऑर्डर मुझे मिल गया, जो कि ये 61 रुपीज़ का है, 2.5 किलोमीटर रेस्टोरेंट का डिस्टेंस है, और मुझे ये ऑर्डर 32 सेक्टर से पिकअप करना है। तो चलते हैं, आज का ऑर्डर तो मुझे 7 के 7 मिल गया। और गाइज ये वीडियो मैं बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ, इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरा जो पहले वाला हेलमेट था ना वो गुम हो गया, चोरी हो गया, मैं कहीं गया था हॉस्पिटल के काम से, तो हॉस्पिटल से ही चोरी हो गया, तो इस वजह से मैं डीमोटिवेट हो गया था, और मेरे पास हेलमेट भी नहीं था तो मैं फिर ब्लॉग कैसे शूट करता। फिर मैं कल हेलमेट जाकर लाया, और अभी जो मैं नया वाला हेलमेट लेकर आया हूँ वो बिल्कुल सेम है जो हेलमेट मैंने पहले लिया था, बिल्कुल सेम हेलमेट मैं वही लेकर आया हूँ। तो मेरा बहुत नुकसान हो गया, वो हेलमेट 2000 रुपये का था और उसमें मैंने 1600 रुपये का माइक लगाया था और 3600 रुपये का वो इंटरकॉम लगाया था, जिसे मैं कॉल पर बात करता था बाइक चलते चलते, तो वो इंटरकॉम था ना वो मेरा बहुत काम का था, बहुत हेल्प होता था उसे, बाइक चलते चलते अपना कॉल पर बात कर लेते थे, डिस्टर्ब नहीं होता था बाइक चलाने में और काम करने में। और उस इंटरकॉम में ना अगर 10 सेकंड तक मैं कॉल को रिसीव करता हूँ तो करता हूँ, अगर 10 सेकंड तक मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक कॉल उठा लेता है, तो मुझे कॉल रिसीव करने के लिए भी बाइक रोकना नहीं पड़ता था, या फिर कुछ कितना भी ट्रैफिक में रहूँ तो मतलब कॉल ऑटोमेटिक 10 सेकंड के बाद रिसीव हो जाता था। तो गाइज आज का पहला ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया है और ये सारे 8 किलोमीटर का है, तो चल के इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। एक सौ तीन मारी गोल्ड टावर, 103 वो है अंदर, 8620 जी जी, बाइक को सामने लगा के जाने, इस तरफ वाला टावर फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर बाइक मैंने पार्किंग में लगा दिया है, और जो इसका ऑर्डर है वो मुझे इसे अगले वाला टावर में देना है। थैंक यू। तो गाइज आज का पहला ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया और मुझे रिटर्न बोनस 14 रुपये मिला और वेटिंग टाइम मुझे 12 रुपये मिला, जो कि मुझे 12 मिनट हो गया था वेट करते हुए रेस्टोरेंट पर, तो 12 मिनट जो मैंने वेट किया तो उसका मुझे 12 रुपये मिला। और मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्डर 8.4 किलोमीटर का है, तो 8.4 किलोमीटर का मुझे टोटल 74 रुपीज़ मिला। तो गाइज आज का पहला ऑर्डर तो मैंने कंप्लीट कर दिया और मैं चलता हूँ अपने जोन के अंदर और फिर देखता हूँ कि दूसरा ऑर्डर मुझे कब मिलता है। और गाइज अगर आप लोग स्विगी ज्वाइन करके काम करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपना मोबाइल नंबर, नाम और सिटी का नाम मुझे सेंड कर देना,
मैं आपको रेफ़र कर दूंगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ज्वाइनिंग के समय तो मैं आपका हेल्प करूंगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लेना। तो गाइज आज का दूसरा ऑर्डर भी मैंने पिकअप कर लिया, तो चल के इसको भी जल्दी से कम्प्लीट करते हैं। तो गाइज अभी जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ ना, वो बोया बाई M1 माइक है, और इससे पहले मैं कोडक का माइक यूज़ करता था, जो कि यार कोडक माइक का ना उतना अच्छा मुझे क्वालिटी नहीं लगा। रुद्रांश ना 208 रुपये, कोई बात नहीं। तो गाइज अभी मुझे देखो 44 रुपीज़ का एक फूड का ऑर्डर मिला है मुझे स्विगी से, तो चलते हैं इसको भी पिकअप कर लेते हैं, और इसका डिस्टेंस मैं देख लेता हूँ कि कितना किलोमीटर दिखा रहा मुझे। ओ माय गॉड, 3.7 किलोमीटर रेस्टोरेंट का डिस्टेंस है, तो कोई बात नहीं चल के पिकअप कर लेते हैं। तो गाइज मैं अभी एल&टी मॉल का ऑर्डर लेने के लिए आया हूँ, जो कि एल&टी मॉल का ऑर्डर बाहर ही मिलता है। यहाँ पर मैं वेट करूँगा और अंदर से सिक्योरिटी गार्ड ऑर्डर को लेकर आएगा, तो पहले हमें देखना पड़ेगा मेरा ऑर्डर रेडी है या नहीं। भाई 48.55 ओहो, तो गाइज आज का ये मेरा तीसरा ऑर्डर है, और इसको मैं अभी ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ, और इस ऑर्डर का भी कैश पेमेंट है, तो कस्टमर से मुझे कैश लेना है और उसके बाद उसको ऑर्डर डिलीवर करना है। A few moments later. तो गाइज आज का पांचवा ऑर्डर भी मैंने पिकअप कर लिया, तो चल के इसको भी जल्दी से ड्रॉप करते हैं, और इसका भी कैश पेमेंट है, और इससे पहले जो मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया ना, तो उसका भी कैश पेमेंट ही था। और ये 2 किलोमीटर का ऑर्डर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने में। नहीं मेरे पास चेंज नहीं, अभी था ख़त्म हो गया। मैं फिर पैसे पूरे देता हूँ, ऑनलाइन कर दो, नहीं तो गूगल पे। कितने हैं टोटल, हैं कितने? 219 है, 220 हो गए। ठीक है, थैंक यू। A few moments later. तो गाइज अभी जो मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया, तो उसका ऑनलाइन पेमेंट था, तो अच्छा हुआ कि ऑनलाइन पेमेंट था। अगर कैश पेमेंट होता ना, तो फिर उसके बाद मुझे ऑर्डर नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी का पैसा 1479 रुपया हो गया है, और जो मेरा लिमिट है वो 1711 रुपया है। तो अगर 200 रुपये के आसपास का कोई अगर कैश पेमेंट आता है, तो उसका लिमिट क्रॉस कर जाएगा, तो उसके बाद फिर मुझे मतलब ऑर्डर नहीं मिलेगा। ऑर्डर मिलेगा जब मैं ये पैसा उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा अपने अकाउंट से, उसके बाद मुझे फिर ऑर्डर मिलेगा। और अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो अगर कोई कैश पेमेंट वाला ऑर्डर आता है, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह ID लॉग आउट होता है, जो कि हमें ऑर्डर नहीं मिलता है। किस नाम से? हाँ तो गाइज अभी मैं एल&टी मॉल आया था ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, और यहीं से मुझे साथ के साथ दूसरा ऑर्डर मिल गया, और इस ऑर्डर को मैं जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए। और पिकअप करके जब मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, तो उसके बाद जो मेरा इंसेंटिव का टारगेट था ना, वो पूरा हो जाएगा। तो ये वाली जो ऑर्डर है, इसके बाद मैं ऑफ ड्यूटी कर लूँगा, और आपको मैं अर्निंग दिखाऊँगा कि आज मैं कितना अर्निंग किया। 1141 तो गाइज आज का ये लास्ट वाला ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया, और इसको कंप्लीट कर देता हूँ जल्दी से। ये दाल है राइट? जी पिछली बार डब्बे में दिया था उन्होंने, ऐसे दिया। हाँ कभी कभी कर देते हैं चेंज। यहाँ से आप आराम से रोड से भी आ सकते हो अंदर, अगर यहाँ से नहीं आना तो। अच्छा ठीक, यहीं से चल जाता हूँ जी। तो गाइज अभी टाइम 5:05 हो रहा है, और आज का लास्ट वाला ऑर्डर भी मैंने कंप्लीट कर दिया। तो अब मैं आपको अर्निंग दिखाऊंगा कि आज मैंने कितना अर्निंग किया। तो साइड में कहीं पर बाइक खड़ी करके मैं आपको अर्निंग दिखा देता हूँ, जहाँ पर मुझे छाँव सा लगे वहीं पर रुकूँगा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, गर्मी भी बहुत तेज़ लग रही है।
तो मैं आपको स्विगी एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ कि आज मैंने कितना अर्निंग किया। ठीक है, तो ओपन हो रही है, तो अभी मैं ऑफ ड्यूटी कर लिया हूँ, नहीं तो मेरे पास बुकिंग आने लग जाएगा। पहले तो आप इंसेंटिव का टारगेट देख लो, जो ऑर्डर अर्निंग 400 रुपया करने पर मुझे 100 रुपया इंसेंटिव मिलेगा, तो वो इंसेंटिव का टारगेट मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको अर्निंग दिखा देता हूँ कि आज मैंने कितना अर्निंग किया। ठीक है, तो ऊपर को स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं टुडे अर्निंग है 481 रुपया है, 481, और फ्लोटिंग कैश है 1548 रुपया, यानी कि 1548 रुपया मुझे कंपनी को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, जो कैश पेमेंट था ऑर्डर का वो सब मेरे पास है, और आज मैंने ऑर्डर का अर्निंग 481 रुपया किया और 100 रुपया मुझे इंसेंटिव भी मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया 481 रुपया ऑर्डर का अर्निंग हुआ और 100 रुपया मुझे इंसेंटिव बोनस मिलेगा, तो 581 रुपया हो गया। और सुबह में मैंने 11 बजे लॉगिन किया था और अभी 5 बज रहे हैं, तो 5 बजे तक मैंने काम किया, तो 6 घंटा हो गया मुझे काम करते हुए, और 6 घंटा में 581 रुपया अर्निंग किया। और आज मेरी बाइक 79 किलोमीटर चला हुआ है, तो जो 581 रुपया अर्निंग हुआ तो 181 रुपया मैं पेट्रोल के लिए छोड़ देता हूँ, तो 400 रुपया बच गया। तो यानी कि पेट्रोल निकालने के बाद 6 घंटे में आज मेरा 400 रुपया अर्निंग हुआ। तो गाइज, आज का दिन कुछ ऐसा ही गया। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलूंगा आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।